आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए, सरकार ने किया है ऐलान। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं को अब सस्ते में मिलेगा सिलेंडर, सरकार ने बुजुर्गों की बढ़ाई है पेंशन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए सरकार अब लाएगी कानून, स्टूडेंट्स के भी लिए जाएंगे सुझाव। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन स्वाद करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पर जीएसटी कम करने की मांग, केंद्रीय मंत्री ने लिखी है चिट्ठी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें पत्र में जो है गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को जो है कम करने की बात कही है। इन्होंने कम करने का अनुरोध किया है। गडकरी ने अपने पत्र में नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया है। इसके लिए मंत्री ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मुद्दे, यानी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उनके यहाँ पर मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन जो है सौंपा गया। विज्ञापन का हवाला देते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। विज्ञापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। वही कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं को जोखिम को कवर करता है, उसे कवर खरीदने के लिए प्रीमियम यहाँ पर प्रीमियम पर कर जो है वो नहीं लेना चाहिए। वही कर्मचारी संघ भी चाहता है कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को हटाना चाहिए। वर्तमान में जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी की दर लागू है। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट में क्या है बदलाव, अब सितंबर से लागू होंगे नए नियम। प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में बड़े बदलाव करने की घोषणा की। दरअसल बैंक ने बताया कि वे MUD यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू और पेमेंट ड्यू का बड़ा बदलाव जो है उसको लेकर कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट के अनुसार क्रेडिट कार्ड पेमेंट में होने वाले बदलाव जो है 1 सितंबर से लागू होंगे। बैंक ने मिनिमम अमाउंट ड्यू की दरों को संशोधित यहाँ पर किया है। नए MAD दरों को जो है 5% घटाकर 2% कर दिया गया है। आपको बता दें कि मिनिमम अमाउंट ड्यू में खरीदारी कैश विड्रॉल और बैलेंस ट्रांसफर शामिल होते हैं, जिसे महीने अप्रत्यक्ष या फिर बड़ी लागतें ज़्यादा होती है, उस समय जो है MAD की नई दरें जो है वो यहाँ पर नई दरें जो है ग्राहकों को लाभ देंगे। वही MAD एक तरह की राशि है जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट को अच्छी स्थिति में बनाए रखने, लेट फीस और ओवर ड्यू रोकने को हर महीने पेमेंट को होता है। इसकी कैलकुलेशन जो है EMI और ब्याज शुल्क प्लस यहाँ पर कर प्लस सीमा से अधिक उपयोग दर प्लस बकाया मूल से इसके 5% के आधार पर होती है। वही बैंक ने जो है पेमेंट ड्यू डेट में बदलाव भी किया है। बैंक ने बताया कि जहाँ पहले 18 दिनों में स्टेटमेंट जारी होता था, अब जो है 15 दिन में जारी हो जाएगा। बैंक की वेबसाइट के अनुसार क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट ड्यू डेट जो है 15 दिन होगी। वही सितंबर 2024 से जो है 15 दिन में ही क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है स्टेटमेंट जारी हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर IDFC फर्स्ट बैंक यूजर के लिए निकल के सामने आ रही है। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर राजस्थान से। ये बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब सस्ता मिलेगा सिलेंडर, बुजुर्गों की पेंशन में भी सरकार ने की है बढ़ोतरी। राजस्थान में जो है अब सस्ता LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। दरअसल सरकार ने जो है इसको लेकर जो है घोषणा जो है वो कर दी है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में सभी राशन कार्ड धारकों को अब 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में विधायक प्रारित करने के मौके पर मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 40% और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक की अनिवार्यता की गई है। वही पहले सीमा 50% थी। उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है वो दिया जाएगा। उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान 10% बढ़ाने और 150 बीज बैंक बनाने और 100 अभ्यास वन बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदने की यहाँ पर उन्होंने घोषणा की है और बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही है। यानी बुजुर्गों की जो पेंशन जो है इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा LPG जो सिलेंडर जो है राजस्थान में 450 रुपये मिलेगा। तो सरकार ने जो है ये कुछ
घोषणाएं जो है वो किए से राजस्थान के लोगों के लिए राहत वाली खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि अब राजस्थान में सस्ते में जो है एलपीजी सिलेंडर जो है वो सभी राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। तो बड़ी खबर फिलहाल ये सामने आ रही है। बाद अब कहते हैं अगली खबर की, तो झारखंड से बड़ी खबर देखिए। हर महीने 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1,000 रुपए देगी सरकार। आवेदन की तारीख आई सामने। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं जो है चलाई जा रही है। अब मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। वह इसके लिए जो है यहां पर शिविर जो है लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वे झारखंड सरकार द्वारा महिला आत्म सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना लेकर आए हैं। इसमें महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। प्रत्येक महीने की 15 तारीख को सरकार बहनों के खाते में जो है यहाँ पर डीबीटी की जैसे राशि जो है वो क्रेडिट करेंगे। ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसे लेकर जो है यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल झारखंड से निकल के सामने है कि यहाँ महिलाओं को जो है महिलाओं के लिए जो है सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाओं को जो है इसमें कई तरह का लाभ जो है वो मिलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर देखिए, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए बड़ी खबर देखिए। कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए सरकार लाएगी कानून। दिल्ली में जो है ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद जो है केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए जो है कानून लेकर आने की तैयारी में है। अपने नेता मंत्री आतिश सिंह ने यहाँ पर कहा है कि दिल्ली सरकार कोचिंग जो इंस्टीट्यूट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी। कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी इस पर सुझाव जो है उनको यहाँ पर उनसे लिया जाएगा। वही MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा है कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र मुख नगर और प्रतिविहार में अब जो है 30 बेसमेंट जो है वो सील किए गए हैं। वही कई कोचिंग संस्थानों को जो है शो कैश नोटिस भी जारी किया गया है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो है वो एक्शन लेने की बात भी कही गई है। तो ये दिल्ली से यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर कोचिंग संस्थानों को जो है रेगुलेट करने के लिए जो है वो सरकार की ओर से जो है यहाँ पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। बात अब कहते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है फास्टैग को लेकर बड़ी खबर देखिए। गाड़ी चलाने से पहले जान ले ऑनलाइन प्रोसेस। आज से फास्टैग को लेकर लागू हो रहे हैं नए नियम। आज से जो है फास्टैग के नियमों में बदलाव होने वाला है। इससे पहले भी जो है KYC को लेकर कुछ बदलाव जो है वो किए गए थे। वही एक बार फिर से जो है इसमें बदलाव करने का फैसला किया गया है। और खास बात यह कि लागू ये जो है नियम जो है इसमें लागू होने वाले दस नए बदलाव के तहत टोल पेमेंट प्रोसेस और टोल गेट पर भीड़ को कम करना है। तो बता दें आपको कि क्या कुछ बदलाव होगा। तो बता दें आपको कि नए फास्टैग नियमों के तहत KYC 31 अक्टूबर तक जो है करानी होगी। यानी आपको जो है 31 अक्टूबर तक जो है KYC करानी होगी। हालांकि इसे कुछ महीनों पहले शुरू किया गया था लेकिन डेडलाइन जो है पूरी होने से इसे बंद कर दिया गया था। अब इस क्रम में जो है नया फैसला आज से लागू होगा। NPCS को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी। इस दौरान जरूरी KYC जरूरतों को पूरा करना होगा। ये प्रोसेस आज से शुरू हो रहा है और फास्टैग जितने भी लोग जो है फास्टैग का यूज करते हैं उनको सभी को जो है अपना फास्टैग का KYC जो है वो करवाना होगा। यानी फास्टैग KYC को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खबरें जो है आप लोगों को रोजाना सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।